अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको पिशावर की मशहूर डिश चरसी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करें और उसमें हंसपे जायका नमक शामिल करें। अब इसमें चिकन ऐड करके फ्राई कर लें। ऑयल इसमें ज़्यादा डलेगा। तेज आंच पर फ्राई करना है गोश्त को। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसमें 4-5 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें और साथ ही 1 किलो टमाटर। अगर 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो टमाटर, और अगर आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो टमाटर डाल दें। इस तरह से दरमियान से हाफ कट करके उनको डालकर गोश्त को फ्राई करते रहें। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद टमाटर के छिलके नरम हो जाएंगे तो साथ साथ उनको रिमूव करते रहें। ये देखें इस तरह से। अब इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी शामिल कर दें। तैयार होने वाली है, किनारों से भी छोड़ चुकी है। अब इसमें से ऑयल थोड़ा हम कम कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच काली मिर्च छिड़क दें। इस कढ़ाई में सिर्फ नमक और काली मिर्च ही शामिल होती है और तो मसाला भी डालकर। चूल्हा बंद कर दें, कढ़ाई तैयार हो चुकी है। मज़ेदार जर्सी कढ़ाई तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। चर्सी।